वन वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के बीच में एक छोटा आप लोगों की बहन बहू इस जिला परिषद को चलाने में काफ़ी मेरी भूमिका रही है आप लोगों को सहयोग से, इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देती हूँ। मेरे पर आरोप जो लगा है वो आरोप हमारे पार्षद आप लोगों के सामने समक्ष रख चुके हैं, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अपने पूरे सिवान जिला के सम्मानित जनता से बताना चाहती हूँ कि मैंने सबको लेकर चलती हूँ, मैं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं बरती। रही बात पुस्तकालय के, कहा जा रहा है कि मैडम सदन से नहीं ले, लेकिन आपको बता देना चाहती हूँ कि 13-3 को जो बैठक हुई थी, विशेष बैठक हुआ था, उस बैठक में ये पुस्तकालय का हम लोग जो क्रियान्वयन होता है वो लेने का काम किया गया, वो सर्वसहमति से लिया गया। ऐसा नहीं है उसमें आपको आता है 15वां भी पंचम था, उसके बाद 6वां था, ये तीनों योजनाओं का चयन करने के लिए हम लोग उसी में डिसीजन ले चुके थे, लेकिन हमारे कुछ पार्षदगण कह रहे हैं कि नहीं लिया गया, कि हम लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन हमने हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि माननीय पार्षद जी आप लोग अपना, यहाँ तक मैं ग्रुप में डाल देती हूँ कि आप लोग इतना दिन में अपना योजना दे दीजिए, फिर भी नहीं हो पाता है, कहते कहते थक जाते हैं। इधर आपको जो हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, काफी उनको मॉनिटरिंग करने के बाद हमारे यहाँ बैठे हुए हैं पार्षद, इन लोगों से पूछ लिया जाए कि काम जैसे इनके आने के बाद जो धरातल पर उतरा है वह हम 8 साल में नहीं कर पाए थे, जो कि आज ये काम हो रहा है। रही बात उनको कह रही हैं कि संगीता जी का संपत्ति जांच होना चाहिए, मैं मांग करती हूँ, हम सरकार से मांग करते हैं कि मेरी संपत्ति को जांच किया जाए और जांच करके आप पोर्टल पर रखा जाए, और नहीं मेरी संपत्ति निकली तो जो मुझे आरोप लगा रहा है मैं उन पर FIR करूंगी, मैं मानहानि की केस करूंगी, क्योंकि ये बार बार कहना और करना बहुत गलत बात है। जब हमारे साथ रेणु यादव नहीं थी उस समय भी हमको प्रताड़ित करने का काम की, आपको आप लोगों के माध्यम से ये सिवान के जनता से बताना चाहती हूँ कि जब उनको हमको जब मदद नहीं की, उसके एक ठीक मेरे अध्यक्ष बनने के ठीक 1 महीना बाद मुझे इसी जिला परिषद के गेट पर मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारा लगाई और घोटाला की बात कही, फिर भी हमने उनको कुछ नहीं किया। उसके बाद मेरे घर आकर 10 आदमी के लेकर आई थी, उसमें छोटे लाल यादव थे, उसमें रजनीश गोंड थे, उसमें नगीना यादव थे, और मेरे यहाँ आकर ये लोग समझौता किए, इन लोगों को हम माफ कर दिए, और उसके बाद इन लोगों की एक मंसूबा बन चुकी है कि मैडम को इस तरह हम लोग बोलेंगे तो मैडम हम लोगों को अधिक योजना देंगी, लेकिन ये हम कतई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए 40 पार्षद हैं, 40 एक समान है, हम 40 को लेकर चलेंगे। उनके क्षेत्र में आप लोगों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं, देखिए उनके क्षेत्र में इतना काम दिया गया है, ये जो है सारा ये उनके क्षेत्र में काम हुआ है, बाय नेम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनको दिए हैं, अभी 3 साल नहीं पूरा हुआ है, 3 साल के अंदर उनको हम 2,51,00,000 रुपया दिए हैं। वो कह रही हैं कि जिला परिषद में लूट खसोड़ की बात कर रही हैं, वो खुद लूट खसोड़ करने के फेरा में है, आप लोग उनके क्षेत्र में जाकर पता कर लीजिए कि वो काम करने के दिया जाता है क से तो करती हैं अंग से, और वो मुझे दबाव बना रही हैं कि आप हमारा कैसा हूँ बिल पास करवा दीजिए। तो रही बात की संगीता यादव सिर्फ अकेले डिसीजन नहीं लेती है, संगीता यादव के ऊपर सरकार का दिया हुआ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मेरे साथ सम्मिलित रहते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं,
अब इसके बाद आप लोग जो आप लोगों के साथ में जो वहां बैठे थे छोटे लाल यादव, उनके यहाँ देखिए, उनके यहाँ काम हुआ है 2,63,00,000 का हुआ है। जो कह रहे हैं लोग कि भेदभाव बरत रही है हमारे क्षेत्र में, नहीं, नगीना यादव वहां थे, नगीना यादव के क्षेत्र में काम हुआ है। आपको आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि उनके यहाँ हुआ है 2,50,00,000। कहाँ हम कम दिए हैं और कहाँ घोटाला कर लिए हैं, ये तो वही लोग बता दे लो मुझे, और तब उसके बाद मेरे संपत्ति के जांच किया कर लिया जाए। हम तो कह रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं, हम भी डीएम साहब से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों के क्षेत्र का जांच किया जाए, ये इन लोगों को क्षेत्र के जांच करके और तभी दूध के दूध और पानी के पानी होगा। हमारे हमारा ड्राइवर नहीं, मेरा भतीजा है, वो जैसे बोलती है उनके साथ में आते हैं। राजकिशोर जो जेल गए थे 3 माह जेल में थे, जब मैडम हम पर पहले ये थी नहीं की है, हमको पहले नहीं मदद की है, पहले संगीता यादव मदद की है, जब उन आप सारा मीडिया भाई हमारे जानते हैं, जब बसंतपुर में डॉक्टर के जब डंटा लेके मारने पड़ी थी, यही संगीता यादव 12 बजे 1 बजे रात तक उस थाना में पड़ी हुई थी, और तब वहां से नहीं मामला बना तो हम कहेगी रेणु जी आप निकल जाइए, न तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये मदद करने का हमको अति फल मिल रहा है जो हम उनको मदद किए हैं, एक बार पैसा भी दिए, उसमें हम कहीं कि हमको सहयोग किया जाए, हम सहयोग भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए। डीएसपी के यहाँ एक बार नहीं, दो दो बार, अभी उस आदमी के जोन हमको लेकर आदमी गया, वो आदमी क्या आया था, ये कह रही थी कि हमारा भाई है, वो आज वह भाई मेरे पास कॉल करके कह रहा है कि मैडम जब मेरा नहीं हुई तो आपका क्या होंगी। इसी से आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि रेणु यादव क्या है, छोटे लाल यादव क्या है, आप लोग पता कर सकते हैं। ये वही ये हमको दबाव बनाकर वो लोग काम लेना चाहते हैं, और कुछ कोई प्रेशर बनाते हैं कि मैडम हमको अधिक योजना दे दें, यही उन लोगों का प्रेशर आई आज नहीं है, ये शुरू से है। कुछ चयनित प्रशासनिक योजना की लिस्ट दिखा रहे थे जिसमें योजना का नाम नहीं लिखा है, और जो राशि है 7,50,000, 5,00,000 इस तरह करके लगभग 10 लिस्ट था, और वो भी पैसा वो उठा लिया गया, मतलब कि पास हो चुका है। बिल्कुल नहीं, वो लोग ब्लैंक दिखा रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं लो आप लोगों को, आप लोगों के माध्यम से ये जरूर हम बताना चाहते हैं कि जो है कुछ दरौंदा का है, कुछ और भी जगह के है, पहले मेरा बात सुन लिया जाए। वो जगह जो खाली जो नहीं दिया है, तो मुझे हम अपने को बचने के लिए वहाँ अमाउंट भर दिए हैं, जगह खाली छोड़ दिए हैं। जिस पार्षद हमको नहीं दिया और डीपीआर बन रहा है, उस डीपीआर में जब चढ़ाना रहता है तो हम अमाउंट चढ़वा देते हैं, डीपीआर में जब नाम दे देते हैं हमारे पार्षद तो हम अंकित करवा देते हैं, टाइप करवा देते हैं, जो नहीं देता है उसका खाली छोड़ देते हैं। खाली इसलिए छोड़ते हैं कि कल होकर कोई हम पर ब्लेम नहीं ले, हम कहेंगे आपके क्षेत्र में तो हम छोड़े हैं, कोई हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, मेरे पास तो कागजे न बोलेगा, मेरा कागज बोलेगा, हम तो मौखिक बोलेंगे तो वो तो मेरा काम होगा नहीं, लेकिन मेरा का इसलिए हम उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। एक और चीज उन लोगों का कहना है कि जब अविश्वास आ रहा था तो नेपाल से लेकर के कुशीनगर कहाँ कहाँ हम लोग को घुमाया गया, 25-25 लाख अगर रुपए मैडम देने की बात बोल रही हैं, तो लगभग 41 पार्षद ही 10 करोड़ रुपए आ कहाँ से जमा रहे पास से। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम रेणु जी को पैसा दिए हैं, वो मुझे सहयोग की हैं, तो हम तो मान ही रहे हैं ना कि मुझे सहयोग की, अविश्वास में मुझे काफी मदद की, हम तो नहीं कह रहे हैं, हम कभी बोले हैं आप लोगों से कि हम 25-25 लाख है, हमारा कौन लोग यहाँ बोले हैं कि 25-25 लाख रुपया दिया गया, सारा बात काम करने का शैली है वो बुलवाता है, इसलिए हम कहेंगे कि
बाकी सब अब रेणु यादव से आप लोग पूछिए। मैडम डॉक्यूमेंट वो लोग दिए हैं, ये एक अंतिम सवाल, इसमें कमलेश चौबे कोई है, ये क्या है कमलेश यादव? हाँ अब कमलेश यादव हम बता दे रहे हैं, दीजिए हम बता दे रहे हैं कमलेश यादव कौन। जी ये कमलेश यादव जैसे हमारे प्रतिनिधि बनाया जाता है ना, यहाँ बहुत लोग हैं ये तो प्रतिनिधि, जैसे ये धर्मेंद्र सिंह प्रतिनिधि हैं, उसी तरह वो कमलेश यादव प्रतिनिधि हैं, उनकी भौजाई जिला पार्षद सदस्य हैं, तो प्रतिनिधि बनाई हैं, तो कागजियत में लिखी हैं, तो करिए दिए तो क्या हुआ, कोई ये तो ऐसी है, ये क्या बोलते हैं, नहीं ये आपके बुकलेट है, ये बुकलेट है, कोई आप वित्त कमेटी का बैठक का ये प्रोसीडिंग नहीं है, ये जनरल बॉडी के प्रोसीडिंग नहीं है, ये बुकलेट है, तो करिए दिए तो क्या हो गया, प्रतिनिधि किया, लेकिन जो आपको अथी है वित्त कमेटी की बैठक होगी या जनरल बॉडी के उसमें वो करेंगे तब ना दोषी हैं या वो फॉल्ट है। इसमें जो है ये कमलेश जी ने साइन कर दिया यहाँ पे, और इनकी अगर भाभी है तो डॉक्यूमेंट्स में तो इनका साइन नहीं होना चाहिए, और ये सब कुछ डीडीसी के यहाँ से सब कुछ क्लियर हो चुका है। अरे वही तो हम आपसे कहने के, हमको कहने के मतलब है बंटी बाबू ये बुकलेट है, किताबों का बुकलेट है, ये प्रोसीडिंग नहीं है, ना ये आपको वित्त कमेटी का प्रोसीडिंग है, ना आपको जनरल बॉडी की प्रोसीडिंग है, उस पर तो नहीं, नहीं बुकलेट पर गलती से करा हो गया, प्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए, गलती से हो गया है, ये कोई विशेष इसमें कोई बात नहीं। आप क्या कर रही है, वो चार लोग उनका कहना है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग अब बैठने वाले नहीं है, अब ये मामला ऊपर तक जाएगा। अरे तो ऊपर तक अब कहाँ रुक रहा है, ऊपर तक तो चलिए गया, और बचा कहाँ है। हम जब अपने सदन में उन लोगों से कहे कि जो आपका पुस्तकालय निकला है 30 आदमी के निकला है, जो शेष आदमी 11 आदमी बचे हैं उन लोगों का भी हम लोग फाइल तैयार कर लिए हैं, उन लोगों का भी हो जाएगा, लेकिन ये लोग मेरा सुने नहीं, आप लोगों के सामने था, सारे हमारे मीडिया बंधु वहाँ उपस्थित थे, उन लोग किस तरह से, कल भी एगो दिशा की बैठक हुआ उसमें भी हम देखे, अब मेरा 20 तारीख के जो जनरल बॉडी की बैठक हुई उसमें भी देखे, बहुत फर्क पाए, लेकिन इस तरह के नहीं होना चाहिए, बैठक को बैठक मानना चाहिए और उस तरह से इसमें काम करना चाहिए। हम लोग आए हैं जनता से चुन कर आए हैं, और जनता हम लोगों को चुन के भेजी है, तो हम लोगों को जनता के बारे में सोचना चाहिए, आपस में लड़ने का बात नहीं सोचना चाहिए। अरे